महंगाई ठीक ठाक चल रही है, इससे ज्यादा और होनी चाहिए महंगाई? और होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्यों, रोटी जो खा रहे हैं वो छीननी चाहिए ना आदमी की। सुकून तो सो रहा है, सोना नहीं चाहिए, वो फुटपाथ पे आना चाहिए। मिले ना मिले, भले ही ना मिले कोई दिक्कत नहीं, भले ही ना चले, थोड़ा और मर जाएंगे और क्या होगा। जय श्री राम बोल देंगे, मंदिर बनाया सब कुछ, योगी ही चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए रोटी। बस महंगाई ठीक ठाक चल रही है, इससे ज्यादा और होनी चाहिए महंगाई? और होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्यों, रोटी जो खा रहे हैं वो छीननी चाहिए ना आदमी की। सुकून तो सो रहा है, सोना नहीं चाहिए, वो फुटपाथ पे आना चाहिए। इससे ज्यादा महंगाई को हम क्या बता सकते हैं महंगाई के बारे में, आपको भी पता है ये तो। जिस घर में चार बच्चे हैं उससे बच्चा एक भी नहीं पढ़ रहा है, क्यों, खाने का ही गुजारा नहीं चल पा रहा उनका, तो वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या, पूरे पूरे दिन खाली पड़े रहते हैं। जब हमें ही रोटी नहीं मिल पा रही ढंग से तो बच्चों को हमारे को कहाँ से मिलेगी। कंपनी में कोई लेता नहीं है, ऐसे कहते हैं भाई वैक्सीन लगवा के लेके आओ, चलो वैक्सीन भी लगवाएं तो 6-7 हज़ार रुपये में होता क्या है बताओ। वैक्सीन लगवा, हाँ 6-7 हज़ार रुपये में होता क्या है ये बताओ। जी मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, यहाँ पे आते हो काम करते हैं? हाँ जी यही रहते हैं अब तो फिलहाल। योगी सरकार से क्या कहेंगे? योगी सरकार काम अच्छा कर रही है, हाँ काम अच्छा कर रही है, बाकी यही है कि बेरोजगारी थोड़ी ज्यादा हो गई है, बाकी काम उनके सब सही है। काम जैसे कि गुंडा राज खत्म है, जैसे कि अब आदमी किसी का पैसा नहीं मारता, पहले आदमी दबंगाई दिखाता था, एक कमजोर को देख के 4 आदमी घेर लिया करते थे, अब वो नहीं है, एक आवाज़ पर पुलिस प्रशासन काम करता है, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है योगी आदित्यनाथ जी का काम। वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इस बार कौन आने वाला है? हम तो यही चाहेंगे कि योगी जी आए। अच्छा। जी हम वोट उन्हीं को देंगे, वोट उन्हीं को देंगे, उन्हीं को देंगे। रोजगार मिले, रोजगार मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, भले ही ना मिले कोई दिक्कत नहीं, भले ही ना चले, थोड़ा और मर जाएंगे और क्या होगा। लेकिन वोट उन्हीं को देना है, वोट उन्हीं को देना है, जितनी महंगाई हो जाए। अब कम से कम ये तो है कि भूखे भूखे हैं, सुकून से तो हैं, कोई गुंडा राज तो नहीं है, कोई आके थप्पड़ तो नहीं मारता हम पे, 4 आदमी मिल गए एक आदमी को घेरते तो नहीं है, गुंडा राज नहीं है, देखो जी ये चीजों को तो हम कह नहीं सकते। जब आदमी अकेला कहीं फंसेगा या गुंडा राज चलेगा, आदमी खुद गलती करेगा तब आदमी से गलती होती है, अगर हम गलत नहीं है तो गलती नहीं होगी। एक व्यापारी को शाम के टाइम सुरक्षा बलों के साथ उसे गोली मार दी, इस पर क्या कहेंगे? देखो उनके बारे में हम नहीं कह सकते, नहीं देखो हमें तो देखिए पहले मिडिल आदमी है, पहले भी हो रहा था, कांग्रेस की सरकार में भी हो रहा था, अभी मैम बहुत चेंज है, जितने भी गुंडे बदमाश हैं ज्यादातर ने सरेंडर कर दिया या जेल के अंदर है, तो हम लोग तो भाजपा के साथ ही है मैडम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखो पैसे वालों के जो मतलब उनके साथ जो होता है ना, उनका कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश चली आती है, हंसता हुआ चेहरा रहेगा, मौत आए तो कभी गरीब में दो रोटी खाएगा, कुछ नहीं है। दोबारा बोलिए। मैडम हंसता हुआ चेहरा जाएगा, जय श्री राम बोलते जाएंगे, जय श्री राम बोल देंगे मैम, मंदिर जय श्री राम बोलते जाएंगे, मंदिर बनाया सब कुछ, कुछ नहीं हो अच्छा, मजदूर हैं, रोटी खाते हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, ना ही तो गवर्नमेंट से मतलब है, और बच्चों के लिए कुछ जो कर रहे हैं ना वो बढ़िया कर रही है, बस ये चीज है, बस वो आपकी बात है, बस हो गया। उन्होंने पिछला भी लॉकडाउन अच्छा कटवाया हमारा, जो कोई दिक्कत नहीं है, महाराज जी ने बनवा दिया सबके श्रम कार्ड बनवा दिए महाराज जी ने, घर कैसे चलेगा? घर तो मैडम देखो मुसीबत तो हर किसी के घर होती है, हम तो मजदूर आदमी, हम 200 कमा ले घर चला लेंगे, उनके दिल से पूछो ना जो अच्छा खाते कमाते हैं। आपको खाने की और घर की ही सोचनी थी तो ये लॉकडाउन होना ही नहीं था। अब राशन तो हमें हमारा आज तक यहाँ राशन कार्ड नहीं बना था, लेकिन लॉकडाउन में हमारा राशन कार्ड बनाया, हमारा 50 किलो राशन आता है हमारे घर में, जिससे हमारा कुछ हद तक गुजारा चल जाता है। तो आपने कहा था कि घर नहीं चल पा रहा है। अरे मैडम घर पैसे ही तो नहीं, रोटी तो है, शिक्षा ही तो नहीं है हमारे पास, ना हमारे बच्चों के लिए शिक्षा है, रोटी तो है, शिक्षा जरूरी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जब हमारा ये हाल है तो आने वाले कल में हमारे बच्चे तो इससे ज्यादा बेकार हो जाएंगे। नाम नरेंद्र है, मैं यही काम करता हूँ और अब मोदी के नाम से ही यहाँ में जाना जाता हूँ, हर एक बंदा जानता है कि मैं मोदी हूँ, बाकी कोई भी हो थोड़ी मोटी दिक्कत हो तो थोड़ी मोटी हम आपस में भी सुलझा लेते हैं, योगी ही चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए रोटी, बस।